अरे मगरु भैया, भारत माता की जय। को यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं के बारे में? निश्चित रूप से हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे जितने भी नेता हैं, सबका आभार व्यक्त करूँगा। उन लोगों ने पूरा जी जान से जुटकर चुनाव के प्रचार में सब लगे रहे, और विशेष करके हमारे इष्ट मित्र, दोस्त यार, रिश्तेदार सभी लोग जो है जी जान से रात दिन लगे रहे। मैं विशेष करके अपने सभी मतदाता भाइयों बहनों का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने पूर्व की भांति पुनः एक बार फिर मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मुझको इतनी भारी बहुमत से जीत दिलाई। सांसद जी और जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, विधायक जो है, सारे लोगों ने आपके लिए संघर्ष किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी व्यक्त करूंगा अपनी लोकप्रिय सांसद श्रीमती मेनका संजय गांधी जी का, जो सुल्तानपुर नगर पालिका चुनाव के दौरान आए, 5 दिन आई और जगह जगह उन्होंने बैठकें की हैं। और आभार भी व्यक्त करूंगा अपने आदरणीय विधायक विनोद सिंह जी का, उन्होंने भी जी जान से जुट कर मेहनत किया है और जगह जगह बैठकें की हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे MLC हैं, उन्होंने भी अपने स्तर पर काफ़ी जगह पर बैठकें करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक माहौल बनाकर और वोट दिलवाने का प्रयास किया। नगर पंचायतों में कमल भी खिला है और कई स्थानों पर राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार कर निर्दलीय उम्मीदवारों को जनता ने चुना है। अभी तक जो टाउन एरिया का जो रुझान आ रहा है हमको बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन कादीपुर हम चुनाव जीते हैं। लम्हों में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, अभी हमको वहाँ के विषय में बहुत जानकारी नहीं है। आपके यहाँ नगर पालिका में कई पार्टी प्रत्याशी हार गए बागियों के चलते, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबने जी जान से मेहनत किया है, सब अपना अपना प्रयास किए हैं और बाकी जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसको मिला है, सभी लोग जीते हैं। ऐसे हमारे जितने भी सभासद भाई जीते हैं, सबको मैं बधाई देता हूं। हमारी पार्टी के हों, चाहे निर्दलीय हों या किसी भी पार्टी के हों, अब वो हमारा एक परिवार है और हमारा एक वोट है, सबको मैं बधाई देता हूँ। जो विरोधी होकर भी चुनाव लड़े और जीते हैं, उन्हें दोबारा शामिल किया जाएगा भाजपा में? अब ये हमारे संगठन का विषय है, अब संगठन उस पर निर्णय लेगा। और प्लस जितने भी बागी होकर चुनाव लड़े थे, उन लोगों को संगठन ने जो है पहले ही जो है शेयर वक्त के लिए इसका रनर प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, क्या आप पहले से कोई इस तरह का अनुमान था आपको कि जैसे कि लोग तो ये कह रहे थे कि सपा प्रत्याशी रनर होगा? मैं बधाई देना चाहूँगा अपने रनर प्रत्याशी मोहन मिश्रा जी को, उन्होंने भी जी जान से पूरी मेहनत किया है, विश्वास हासिल करने का प्रयास किया। अब कांग्रेस की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मोहन जी ने काफ़ी मेहनत किया है और वो रनर रहे हमारे छोटे भाई। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।